नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मातली के स्थापित अस्थायी कैंप कार्यालय से ही शासकीय पत्रवासियों का निस्तारण किया और सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की। मुख्यमंत्री धामी सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को पर उन्होंने बैठक की है। वहीं आपको बता दें कि उनके सकुशलता के लिए बुधवार से ही मातली में ही डटे हैं। शासकीय कार्य बाधित न हो इसके मद्देनजर मातली से ही सीएम का अस्थायी कैंप कार्यालय संचालित हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने जरूरी शासकीय पत्रवालियों को निस्तारित करने के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और शाम को मुख्यमंत्री ने सलक्यारा पहुंचकर वहां चल रहे रेस्क्यू अभियान का निरीक्षण भी किया। तो वहीं आपको बता दें कि अभियान में जुटी टीम से वार्ता कर आवश्यक जानकारी भी ली। उधम सिंह नगर के खटीमा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष जीवन धामी की अध्यक्षता में भारत संकल्प यात्रा की तैयारी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया है, जहां खटीमा नगर मंडल क्षेत्र के यात्रा प्रभारी और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी सहित तमाम बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर झारखंड के रांची से 2,05,000 ग्रामों तक संकल्प यात्रा को पहुंचाने का प्रथम चरण प्रारंभ हो चुका है। यह यात्रा 21 राज्यों के 68 जनजाति बाहुल्य जिलों में 26 जनवरी 2024 तक चलेगी। उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी हर शहर और हर गांव में दी जाएगी। भारत विकसित संकल्प यात्रा जो कि एक सरकारी कार्यक्रम है और ये हमें इसको अपने क्षेत्र में प्रत्येक नगर पालिका स्तर पे बूथ स्तर पे ले जा करके जो वंचित लोग हैं, जो इस जो कई सरकारी योजनाओं से वंचित रह गए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशानुसार उन सभी वंचितों तक सरकारी योजनाओं का पूर्ण रूप से जनता तक लाभ पहुंच सके। माननीय सांसद हैं या विधायक जो भी यहाँ क्षेत्र में होंगे वो लोग विकास की हल्द्वानी में सामाजिक उत्थान में विभिन्न प्रकार के सराहनीय कार्य करने वाली महिला पुनर्निवास समिति द्वारा 51 गरीब निर्धन कन्याओं का विवाह किया गया है। पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में आयोजित इस कार्यक्रम में हल्द्वानी सहित आसपास के इलाकों से गरीब और निर्धन परिवार की कन्याओं का विवाह करते हुए सभी प्रकार के खर्च समिति द्वारा उठाए गए। इससे पूर्व भी महिला पुनर्निवास समिति 281 निर्धन कन्याओं के विवाह कर चुकी है। बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचकर वर और वधु को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। अच्छी पहल है। पुनर्नवा महिला समिति की सदस्यों ने पहले भी इस प्रकार से विवाह किया है और अभी ये संख्या 51 थी, जिसमें से कि कुछ इनके नॉर्म्स होते हैं, आधार कार्ड और वर वधु की रजामंदी, उनके परिवार वालों की रजामंदी, सभी कुछ देखते हुए किया जाता है। तो अभी जो है 42 यहाँ विवाह हो रहा है निर्धन कन्याओं का। पुनर्नवा महिला समिति है जिसमें कई सालों से हम लोग सामूहिक विवाह करवाते आ रहे हैं। 2009 से हम लोग शादियां करवा रहे हैं और आज यहाँ पर हमारे 42 जोड़ों की शादियां हो रही हैं, जो कि ये जरूरतमंद कन्याएं हैं। उन लोग इसमें जो लड़कियां हैं वो तो सब उत्तराखंड की हैं, हल्द्वानी के आसपास। और हमारे पास मैम का फोन आया था तो उन्होंने हमें बताया था, फिर उसके बाद जो हमने कागज लगाया अपने जो भी था, उसके बाद जो हमारी शादी हो रही है वो तो बढ़िया है एकदम। किस तरह से देखते हैं इस कार्यक्रम को? जी बढ़िया करके देखा है लोगों से। किस तरह से देखते हैं हम? अच्छा लगता है। हम लोग 2009 से सामूहिक विवाह करवा रहे हैं। अभी तक हाईएस्ट स्कोर हमारा 21 होता था, लेकिन इस बार प्रभु की कृपा ऐसी इच्छा बनी कि हमारे पास हमने 42 कन्याओं का विवाह, ये लोग आ गए तो स्वयं आए, तो हमको उनका सारा इंतजाम करना पड़ा। जरूरतमंद होते हैं, समाज का भी हमको सहयोग मिलता है। इसमें से जो वर पक्ष है वो तो बाहर से भी आया है। महिला समिति की जो अध्यक्ष है ललिता बोरा, उनके द्वारा कई
तीन तीन महीनों का इनका रहता है। और ये इसमें मेरे ख्याल से बरेली से भी हैं, इधर गोलापार से भी हैं, सितारगंज से भी हैं, अनेक अनेक जाति के लोग आते हैं। और अभी तक परमात्मा की कृपा से और गुरुजी की कृपा से हम इससे पहले 281 हमने पहले किए थे, आज 51 और हैं। उधम सिंह नगर के कटिमा कोतवाली में तैनात सीओ बीर सिंह नव आंगतुक कोतवाल प्रकाश डानू तथा एएसआई अशोक कुमार को जीवन ज्योति ट्रस्ट के अध्यक्ष ईश्वर सिंह के नेतृत्व में ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने शाल उड़ाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि कटिमा के सीओ बीर सिंह को बीते दिनों विभाग की तरफ से एडिशनल एसपी बनाया गया है। वहीं प्रकाश डानू ने कटिमा कोतवाली में नए कोतवाली के रूप में पदभार ग्रहण किया। एएसआई अशोक कुमार को बेहतर कार्य के लिए स्वागत किया गया। पदाधिकारियों का जिसमें अध्यक्ष महोदय और कोषाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और जितने लोग यहाँ पे पधारे हैं, हमारी माताएं बहनें जितने भी आई हैं, सबका मैं यहाँ पे तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ कि ट्रस्ट जो है हमारे नौ आगंतुक कोतवाल साहब और सीओ साहब और एसएसआई साहब। उधम सिंह नगर के थाना नानकमत्ता में तहरीर दी गई है जिसमें कहा गया है कि वाटर सपोर्ट में अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। वहीं सीसीटीवी कैमरों व पास खड़ी मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त करना और कई सामान के निगरानी में रखे कर्मचारियों के साथ मारपीट कर गाली गलौज भी की गई है, जिसके बाद जान से मारने की धमकी भी दी गई है। वहीं अभियोग की गंभीरता से देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त अभियोग का शीघ्र अनावरण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर रुद्रपुर और अपर पुलिस अधीक्षक खटीमा के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष नानकमत्ता के नेतृत्व में पुलिस टीमें गठित की गई है। वहीं पीड़िता द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि काले रंग की स्कॉर्पियो व सफेद रंग की कार में ये आरोपी आए थे और पुलिस टीमों द्वारा घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को बारीकी से चेक किया गया तो घटना के समय दो गाड़ियां घटनास्थल से मेन हाईवे की तरफ जाते दिखाई दी, जिसके पश्चात उक्त रूट के विभिन्न स्थानों के लगे लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों को खदाला गया है। फिलहाल पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है। तो 9 तारीख की अर्ली मॉर्निंग अराउंड देर रात मध्य रात्रि 1 बजे के आसपास जो एक बहुत घिनौनी घटना हुई है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा आकर मोटर स्पोर्ट्स को संचालक होता था वो बड़े मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके वहां पे मोटर स्पोर्ट्स के लिए 2-3 मोटर बोट और पैरासाइलिंग इक्विपमेंट लाया था। तो इन कुछ लोगों द्वारा 7-8 लोगों द्वारा आकर वहां पर रखवाली करने वाले लोगों के ऊपर डरा धमका कर बल प्रयोग करके मारा पीटी करके तमंचे दिखाकर उनको पानी में कूदने के लिए मजबूर कर दिया। सीवीजी प्लांट पर कूड़े की गाड़ी खाली करने गया नगर निगम का ठेका कर्मी विद्युत करंट की चपेट में आ गया और उसे आनंद फानंद में जिला अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सा ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवारजनों समेत अन्य लोगों का गुस्सा ठेकेदार के खिलाफ फूट पड़ा। उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जमकर हंगामा किया। इस मौके पर राजनीतिक और समाज से जुड़े लोगों द्वारा ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो डे टू डे कलेक्शन की ये कंपनी है जिसने यहाँ का ठेका किया है, इसका ये एम्प्लॉई था जो वेट वेस्ट को कंसर्न जो प्लांट है सीवीजी प्लांट उस पर डालने के लिए भेजा गया था। तो जो भी प्लांट का जो वीडियो निकल के आया उसमें देख रहे हैं तो प्लांट में ये गाड़ी को अनलोड कर रहे हैं, उसी दौरान किसी एक इससे धकेल रहे हैं। मेरा लड़का था बड़ा सुनील नाम, क्या थी पूरी घटना बताई? पूरी घटना ये थी, मेरा लड़का गया था पूरी गाड़ी लेके आते गीली कूड़े की, मैं प्लांट में गया, प्लांट में ना एक महिला उठा दी थी कूड़ा, उससे खिंचरा नहीं होगा कूड़ा गाड़ी जी मेला महिला ना उठा दी थी कूड़ा पूरी मेला हुई कमजोर बेचारी कूड़ा नहीं खिंचरा था आगे लापरवाही से किसी और कर्मचारी फावड़ा लेके उसका वो खींचने लग गया कि फटाफट खींच दूं मैं घर चले जाऊंगा, वो खींचने के चक्कर में उसमें ट्रेन लग गया उसे। ये बहुत दुखद घटना है और एक ऐसी घटना है जिसे जो भी सुन रहा है वो बड़ा इससे हतप्रभ है, बड़ा दुखद है, हर एक को ऐसा लग रहा है कि अचानक ये कैसे हो गया। और विशेष रूप से वो लोग जो रुद्रपुर को स्वच्छ रखने के लिए बड़ी ईमानदारी से काम करते, उनके साथ ये दुर्घटना हो जाना एक सेवा है, नौकरी नहीं है,
एक सेवा है, और पूरा अगर वो उनका काम ईमानदारी से ना हो तो लोगों का रहना दुभर जाए। जो कर्मचारी हैं उनकी घोर लापरवाही है, विद्युत प्रवाहमान हो रही है, करंट जारी है और उसके बावजूद भी लापरवाही के साथ कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है। ये भूत बंगले का बेचारा सुनील जो ठेकेदार के अंडर में काम करता था, इसका उस करंट लगने से जिसका सीसीटीवी कैमरे का फुटेज जारी हो चुका है, उस बच्चे का निधन हो गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिनकी लापरवाही है उनको तो दंड मिलना चाहिए। उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी के कार्यों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला स्मार्ट स्कूलों को लेकर सामने आया है, जिसमें खुद बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने ही सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी के चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 100 से ज्यादा स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के आसपास इन दिनों तेजी से फुटपाथों के सौंदर्यीकरण, वॉल पेंटिंग, टाइलें लगवाने समेत अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जिनके भवन जर्जर स्थिति में हैं। वहीं कहीं छत टपकती है तो कहीं छात्रों के बैठने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि अच्छी बात है कि चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में स्कूलों को स्मार्ट किया जाना सही है, लेकिन प्रदेश के कई स्कूल ऐसे हैं जिनके भवनों की स्थिति जर्जर है। कहीं फर्नीचर उपलब्ध करवाने के साथ ही अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने की जरूरत है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कहा है कि समय रहते ही कार्य करवाने का भी प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजना चाहिए। वहीं बीजेपी विधायक के सवाल खड़े करने के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई है और आज इसी मुद्दे पर चर्चा हुई है। देखिए आपको भी दिखाते हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी के काम में हम लोगों ने एक कंपोनेंट और जोड़ा था, जिसमें यह था कि इसको चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाएंगे और उस पर काम हो रहा है। अच्छा एक प्रयोग यहाँ पर हो रहा है कि जहाँ जहाँ हमारे स्कूल्स हैं उसके आसपास का वातावरण बच्चों के लिए शिक्षाप्रद हो, सुरक्षित हो और आसपास बेहतर वातावरण मिले, उससे बच्चे प्रेरित हों, तो उसके लिए काम चल रहा है इस समय और तमाम स्कूल उसमें हमने लिए हैं। बिल्कुल स्मार्ट क्लास होनी चाहिए, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए और मैं भी अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक विद्यालय में इसकी शुरुआत की है। आजाद सिंह आइए सर, चलिए। पौड़ी जिले में थली सेन महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया है। इस मौके पर कैबिनेट व उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र के इस महोत्सव में शिरकत की और कई योजनाओं की सौगात भी जनता को दी। इससे पूर्व धन सिंह रावत ने 12 लाख की लागत से बनने वाले ओपन जिम का शिलान्यास किया और 251 लोगों को पीएम आवास योजना की सौगात दी, जबकि थली सेन को नगर पंचायत बनाने पर 46 करोड़ की लागत रुपए नगर पंचायत कार्यालय को दिए। वहीं थलीसेन मुख्यालय में आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, ब्लॉक प्रमुख मंजू रावत, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नरेंद्र रावत ने संयुक्त रूप से किया और इस अवसर पर आयोजित महोत्सव में थलीसेन की ग्राम सभा के महिला मंगल दलों व विद्यालय की छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम व गीत व नृत्य प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर मधु सिंह भंडारी की स्मृति में गीत 12 ऐनी बगवाल मधुसिंगा को लोगों ने खूब पसंद किया और इगास के मौके पर थलीसेन महोत्सव का आयोजन ब्लॉक प्रमुख मंजू रावत ने किया। इस पूरे क्षेत्र में जितने भी गरीब लोग थे उनको आवास देने का काम हमारी सरकार कर रही है और आज भी हमने लगभग 261 लोगों को जो है आवास दिए हैं। दूसरा, पहले सेड में लगभग 116 करोड़ रुपए मैंने दे दिए हैं और पहली बार थैली सेड को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। मैंने सभी लोगों को ईराज की बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और सभी लोगों को जिन्होंने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम जो होता है वो एक ही इंसान से नहीं होता है, सभी का सहयोग इसमें होता है, तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मंत्री जी, जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, वो मतलब इतना अच्छा कार्य क्षेत्र में करते हैं कि वो इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप
विकास भगवान का ये पावन अवसर पर मैं थल्ली शहर की जनता का भी इस कार्यक्रम करने को शुभ अवसर प्राप्त हुए और मेरा अहो भाग्य कि हमारा उत्तराखंड का गढ़ शिरोमणि आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी का दगड़ा मेरा आज यत्म कार्यक्रम से और थल्ली शहर की जो जनता थी वो प्यार और आशीर्वाद इतना भरपूर संख्या में मिलो कि बहुत खुशी होनी मन गदगद हो गया आज जनता देखे तक। अच्छा मैं पहले तो हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं धनसिंह रावत जी उनका भी दिल से धन्यवाद करूंगी। और रही महिलाओं की बात कि पहले बाहर नहीं निकलते थे आज यहाँ पे महिलाएं इस तरह से एकत्रित हुई और अपना उत्तराखंड की जो पारंपरिक लोक हमारे जो विरासत है जो संगीत से जो हमारे उत्तराखंड की धरोहर का गीत है वो जो अपना तो अखमो नाचन और थिरकन नाचन तो ये सब अभाग्य हमारे मातृशक्ति तो हमारे महिलाओं तक कुछ नहीं दे सकते। ताकि क्षेत्रीय जो कलाकार हमारे जो युवा हैं जो माताएं बहने हैं उनको एक मंच मिल सके और उनके प्रतिभा दिखाने का काम करें। डॉक्टर राव जी के द्वारा ये भी जिम नहीं किया गया उनके द्वारा प्रत्येक गांव जिम जिम प्रचार किया गया और प्रत्येक क्षेत्र उनके द्वारा जिम लगाए गए ताकि युवाओं को इसे बल में बढ़ावा मिले। डॉक्टर राव जी का एक सपना था और हम लगभग 3 साल सोचे थे हम कार्यक्रम करेंगे लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ हम नहीं कर पाए लेकिन अब हमने शुरुआत करते हम हर साल ये कार्यक्रम हर साल होता है। जुलंत देव भगवान है जिसमें कि देवता अपरित हो जाते हैं और इस चीज से मैं बहुत प्रभावित हुआ इनसे और मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ यूँ ही आगे बढ़ते रहे और हेमा जो है हमारी चाहे छोटी बहन होगी चाहे हमारी बड़ी बहन होगी मैं छोटी होगी शायद क्योंकि मुझे जहाँ तक उनका परिचय से मैं वाकिफ हूँ वहाँ से मुझे लगता मेरी छोटी बहन है और मैं जब भी इनको मैंने इनको ये प्रोग्राम है वहाँ पिंचल में बुलाया था लेकिन वाकई में वहाँ पर उन्होंने जाकर जो गाई थी तो उसमें देव आह्वान जम हुआ जो देवता हमारे ढोल दमाओं के आह्वान पे और मंत्रोच्चार के आह्वान पे आते वो इनके जागरण से अवतरित हो जाते ऐसी स्टेजों पर। तो ऋषिकेश के श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक बंद पड़े घर में चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने घर से एलईडी टीवी चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है और आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी किया गया एलईडी टीवी भी बरामद किया है। श्यामपुर चौकी प्रभारी जगत सिंह ने बताया चोरी की वारदात 19 नवम्बर की रात को रूस फार्म में रहने वाली सरिता देवी के घर हुई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे धर पकड़ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी। वहीं आपको बता दें कि आज पुलिस ने गुमारीवाला से आरोपी को गिरफ्तार किया है और आरोपी के अपराधी के इतिहास की जानकारी की जा रही है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जिला कारागार भेज दिया है और आरोपी की पहचान अमित निवासी गुमारीवाला ऋषिकेश के रूप में की गई है। नौ नवंबर राज्य स्थापना दिवस के दिन देहरादून के राजपुर रोड पर डकैती हुई जहां रिलायंस ज्वेलर्स शोरूम में करोड़ों की डकैती को अंजाम देने वाले 3 और आरोपियों को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि डकैती के आरोपियों के साथ साथ उनके अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। वहीं डकैती कांड में अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसके साथ ही घटना के अभियुक्त प्रिंस और विक्रम पर 2-2 लाख का इनाम घोषित किया गया है। देखिए नेचुरली इस बात को तो मैं जरूर कहूंगा कि अभी तक जो हमारे जो सपोर्ट एक्टर देखा जाए वहां के जो हमारे एसटीएफ की बिहार की हो चाहे पुलिस हो बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन क्योंकि मैं स्वयं से 2 बार वहां जा चुका हूं और अच्छा कोऑर्डिनेशन है लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ उसके सिस्टम के लूपहोल्स होते हैं और हर जगह होते हैं चाहे वो पुलिस हो चाहे अन्य विभाग हो उस लूपहोल्स का फायदा गैंग जरूर उठा रहा है तभी वो इस तरह से लगातार अन्य प्रांतों में जाकर घटनाएं कर रहा है और पता नहीं जा रहा तो कहीं ना कहीं एक छोटा लूपहोल छूट जाता है लेकिन जो कोऑर्डिनेशन का लेवल है वो काफी अच्छा है। पुलिस के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन है और मुझे लगता है कि उनके सहयोग से हम आगे इसमें और अच्छा कर पाएंगे। गदरपुर थाना अध्यक्ष भुवन चंद्र जोशी गदरपुर थाने का चार्ज लेते ही नशे के खिलाफ एक्शन मोड में है। नशे के खिलाफ अभियान चलाकर भारी मात्रा में 4,240 नशीले इंजेक्शन के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने कहा कि थाना अध्यक्ष भुवन चंद्र जोशी की देखरेख में पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम के द्वारा सरदार नगर चक्की के पास नहर नदी के किनारे वाहनों की चेकिंग कर रही थी और इसी बीच पैदल आ रहे युवक पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास करने लगे लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा करके उन्हें दबोच लिया।
पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जहां पर 4,240 नशीले पदार्थ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं नशे के खिलाफ कड़े मोड़ पर है एक्ट पुलिस, जहां पर 4,240 नशीले इंजेक्शन पुलिस ने जब्त किए हैं। वहीं आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और इसी के चलते लगातार पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। नशा मुक्त राज्य में राज्य के अभियान के तहत पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत अब 4,240 नशीले इंजेक्शन जो है वह बरामद किए गए हैं, जिसके साथ आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं उनके आरोपी के साथ और कौन मिला हुआ है इस नशीले पदार्थ की तस्करी में, उसमें उसकी भी छानबीन पुलिस जुड़ गई है। नशे की तस्करी या नशा बेचने में या उसके भंडारण या किसी भी तरीके की गतिविधियों में अवैध लगे हुए हैं, एसएसपी महोदय का स्पष्ट आदेश रहता है कि इनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किया जाए। उसी क्रम में कल हमारी जो गदरपुर में एसओ भुवन है, इनको सफलता मिली है। लगातार क्षेत्राधिकारी बाजपुर के नेतृत्व में कार्रवाइयाँ चल रही हैं डीपीएस के विरुद्ध जो भी इसमें लगे हुए हैं नशे को फैलाने में। तो इसी क्रम में कल नहाल नदी पुलिया के पास हमारी टीम के द्वारा जो संध्याकालीन प्रतिदिन चेकिंग वर्किंग की जाती है, स्वच्छता के लिए दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली खदरी ग्राम सभा पिछले करीब एक महीने से कचरा निस्तारण के लिए परेशान नजर आ रही है। ग्राम सभा अंतर्गत कई जगह पर कचरे के ढेर लग गए हैं। अधिकारी ग्रामीणों के साथ साथ क्षेत्रीय पंचायत सदस्य की भी सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए ग्रामीणों ने शीघ्र समस्या का समाधान नहीं होने पर ग्राम सभा का कचरा अधिकारियों के घर फेंकने की चेतावनी दी है। शुक्रवार की सुबह खदरी ग्राम सभा के ग्रामीण सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित हुए, जहां ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी सहित कई अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ये कूड़े के निस्तारण की समस्या ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना जो था स्वच्छता पूरे देश में हो, पूरा देश साफ रहे, उसी के अंतर्गत हमने लोगों को यहाँ पर भट्ट जी के सहयोग से, वार्ड मेंबरों के सहयोग से, लखाणा जी के सहयोग से लोगों को जागरूक किया है कि लोग जो है कूड़ा सड़क में ना फेंके, सार्वजनिक स्थानों पर ना फेंके और कूड़ा कूड़े की गाड़ी में डाले। तो इसके लिए हमने स्वजल के सहयोग से, हमारे ITC की मिशन के सहयोग से हमने यहाँ पे कूड़े की गाड़ी की व्यवस्था भी करी। रेशम मांजरी में इनका यार्ड था जिला पंचायत का, जिला पंचायत वालों से। शहर में सड़क पर ठेली रेहड़ी लगाकर काम करने वाले लघु व्यापारी प्रशासन के खिलाफ भड़क गए हैं। छोटे व्यापारियों का आरोप है कि वर्ष 2014 में बना पथ विक्रेता अधिनियम अभी तक पूरी तरीके से राज्य में लागू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से सड़क पर काम करने वाले लघु व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। वहीं प्रशासन की इस लापरवाही का खामियाजा लोगों को व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है, और इसलिए आज धरना प्रदर्शन करके व्यापारियों ने प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचने का काम किया है। बताया कि पथ विक्रेता अधिनियम 2014 वह अधिनियम है जिसके तहत सड़क पर काम करने वाले लघु व्यापारियों को कई प्रकार की सुरक्षा मिलती है। जो ठेली चलाते हैं या सड़क पे जो भी खोखे रख करके काम करते हैं या किसी भी जो रेड़ी पटरी पे काम करने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए। दूसरा जो है हमारी मुख्य मांगे ये भी है कि जो सरकार ने एक श्रम कार्ड बनवाया था, उस श्रम कार्ड का क्या हुआ, उनको क्या न्याय मिलेगा? उन्होंने कहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम श्रम कार्ड बनाएंगे और उनको जो है रोजगार का अवसर देंगे, वो रोजगार का अवसर कहाँ पे है? तो इन कुछ मुख्य मुद्दे हैं जो मांगे हैं उनको हम लोग उठा रहे हैं, और उस मुद्दों के तहत जो है ये हमारा धरना जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक जारी रहेगा। रेहड़ी पटरी के लिए 2014 में जिसका नाम पथ अधिनियम आजीविका संरक्षण 2014, वो लगभग 10 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक कोई भी स्टेट की सरकार पूर्ण रूप से उसको लागू नहीं हुआ है। उसी को लेकर हम 1-2 घंटे के लिए सांकेतिक धरना तहसील परिसर ऋषिकेश में कर रहा हूं, और ये एक ज्ञापन देंगे SDM साहब के मार्फत के तरफ से श्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी को जाएगा, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। और हमारी मांग यही है कि जो हमारा एक्ट बना 2014 में वो जमीनी स्तर पर पूर्ण रूप से ला।
उत्तराखंड में अगले सप्ताह से मौसम का मिजाज बदलेगा। हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 27 नवंबर को होने वाली बारिश से तापमान में गिरावट आने से ठंड भी एकदम से बढ़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 27 नवंबर को उत्तरकाशी, चमोली, टहरी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और अल्मोड़ा में बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि कहीं कहीं ओलावृष्टि के साथ बिजली भी गिर सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा, आपसे लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।